ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये गेंद हमें किसने मारी? हमने पूछा, ये गेंद हमें किसने मारी? ये गलती हमसे हुई है शहंशाह। हमने आपको जानबूझकर ये गेंद नहीं मारी। हम तो हैदर की ओर फेंक रहे थे। बस तो इसका मतलब है आपको गेंद फेंकना नहीं आता। आपका निशाना कहीं और था और गेंद कहीं और मारी आपने। सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस जाएं जहां खेलने के वक्त थे। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? हमने कहा कि खेलते वक्त जो आपकी जगह थी आप उस पर वापस जाएं। हम आपको सिखाएंगे कि गेंद कैसे फेंकते हैं। शेखू बाबा, ये गेंद उठाइए शेखू बाबा और मारी हमारी तरफ। खेल हो या कोई भी काम, उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी तरफ मारिए, मारिए, उठाइए, मारिए, उठाइए। हम आपको सिखाएंगे कि गेंद कैसे फेंकते हैं। आइए मारिए। अब फेंकिए हमारी तरफ, फेंकिए। बहुत खूब, वापस मारिए। बहुत खूब, ठीक इसी तरह आपको फेंकनी चाहिए। मुराद आप फेंकिए। बहुत खूब। बस ठीक है, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आज का खेल यहीं खत्म होता है। आप लोग अपने अपने होजरे में जाएं, आराम फरमाएं। ये लीजिए। आदाब शहंशाह। शेखू बाबा, आप हमारे साथ आए। बैठिए हमारे पास। क्या आप जानते हैं कि हम दूसरे बच्चों से अलग बर्ताव क्यों करते हैं आपके साथ? क्योंकि आप हमारे लिए खास हैं। आप कल के होने वाले शहंशाह हैं शेखू बाबा। हमारी सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं। और शहंशाह बनना इतना आसान नहीं है। हम आपकी जगह नहीं लेना चाहते। आपके जाने ना जाने से कुछ नहीं होता है शेखू बाबा। उन जिम्मेदारियों पर सिर्फ आपका हक है और आपके सिवाय उन्हें कोई नहीं ले सकता है। तो फिर अभी हमने क्या समझाया था आपको कि किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना ही वक्त लग जाए, लेकिन हर एक काम को पूरा करना चाहिए। तो हमें यकीन है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कभी सजा देते हैं, कभी प्यार करते हैं, पता ही नहीं चलता आखिर सच क्या है। तो देखिए अपना भूख लगाएगी। हमने कहा ना हमें नहीं खाना। सलीम,
हमारे अपू जान को क्षमा कर दो शरीफ। हमें नींद आ गई, आवाज मत कीजिएगा। प्रणाम शहंशाह। आप बैठे रहे, आप क्या कर रहे हैं ज्योता बेगम? कान्हा के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। लेकिन आप तो अक्सर सफेद फूलों की माला बनाती हैं, तो फिर आज ये पीले फूल क्यों? रंग से क्या अंतर पड़ता है, बात श्रद्धा की होती है। ईश्वर को जो कुछ भी प्रेम से अर्पण करो वो स्वीकार कर लेते हैं। अरे शहंशाह, आप नीचे क्या बैठे, हम कर लेंगे, उठिए। क्यों, ये गाना जी की खिदमत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, वो आप ही का गाना है। ज्योता बेगम, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ना ही आप ठीक से खाना खा रही हैं, ना ही आप ठीक से सो रही हैं। हम चाहते हैं कि शेखो बाबू को लेकर आप बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद की सेहत को नजरअंदाज करें। इसलिए हमने फैसला लिया है कि कल हम जंगल की सैर पर जाएंगे। परंतु सरीम को छोड़कर हम वन विहार के लिए कैसे जा सकते हैं? शेखू बाबा की फिक्र आप ना करें, उनकी देखभाल करने के लिए अम्मी जान है, सलीमा बेगम है, रुकैया बेगम है, लेकिन आपकी देखभाल तो हमें ही करनी होगी ना। इसीलिए इस बार शेखू बाबा हमारे साथ नहीं जाएंगे, इस बार सिर्फ आप और हम जाएंगे। हमें मनाने के नए नए तरीके खूब आते हैं आपको। हम जानते हैं ज्योता बेगम की आप शेखू बाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं, खेलते वक्त उनसे बात करिए और हमें यकीन है कि वो हमारी बात समझ गए हैं। इसलिए अब हम बस आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। और अगर आपने इनकार कर दिया तो हम फिर जाकर अम्मी जान से आपकी शिकायत कर देंगे कि देखिए उनकी बेटी हमारी बात नहीं मानती है। बस आपको इसी तरह मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं ज्योता बेगम। यकीन मानिए हमारा, कल जब आप हमारे साथ सैर पर निकलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर एक अरसा हो गया है हम दोनों को साथ में वक्त गुजारे हो, तो चलिए हमारे साथ। ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ। शुक्रिया, हमें कल ही निकलना होगा ज्योता बेगम। अच्छा ठीक है, हम तैयार रहेंगे। हुजूर, अब वक्त आ गया है आपका मंसूबा पूरा करने का। खबर मिली है कि शहंशाह और मरियम उस जमानी कल महल के बाहर जाने वाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बस अब हम ज्योता बेगम को पाकर ही रहेंगे। अब आपको हमसे दूर कोई नहीं रख सकता ज्योता बेगम। आपको पाने के बाद आपको हथियार बनाकर सबसे पहले हम अपने वालिद को आजाद कराएंगे, और फिर उस जलाल को खत्म कर देंगे। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और ज्योता बेगम आप हमारी बाहों में भी आ जाएंगे। जाओ जाओ, जाकर अपने आदमियों से कहो कि पूरी तरह से तैयार रहें, मौका मिलते ही हम उन पर हमला करेंगे। मगर ख्याल रहे, ऐसा सुनहरा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा।
बरसों के इंतजार के बाद हमें ऐसा मौका मिला है और हम इसे अपने हाथ से जाया नहीं होने देना चाहते। ऐसी सोने की अशर्फियां तुम्हें काम होने के बाद और भी मिलेंगी, समझे? जाओ। दानिता, आप हमारे लिए रोज लड्डू ऐसे ही बनाया करेंगी ना? हमें बहुत पसंद है। बेशक, हम अपने लाडले पोते जान के लिए ऐसे लड्डू क्यों ना बनाएं? प्रणाम मम्मी जान। सलाम जोधा बेगम। प्रणाम रुकैया बेगम। सलीम बेटा, अपनी मासा को आदाब करो। सलीम बेटा, इधर आइए। सलीम, अपनी मासा के पास आइए। ये है हमारा वार जोधा बेगम। बिना नजर आए वार कर दिया है हमने आप पर। सलीम बेटा, आपने हमसे वादा किया था ना, आप हमेशा हमारी बात मानेंगे। जाइए, आपकी मासा बुला रही है आपको। अरे अच्छा सलीम बेटा, एक दिन के लिए हम महल से बाहर जा रहे हैं, जाएं? हमें क्षमा कर दीजिए सलीम, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे और ना ही हम आपको रात्रि को कहानी सुना पाएंगे और ना लोरी सुना पाएंगे। सलीम यहाँ देखिए। अच्छा, हम तो जा रहे हैं, परंतु आपको अपना और अपनी दादी जान का ख्याल रखना है और समय पर आप भोजन कर लीजिएगा, देर तक जाग कर मत रहिएगा और हाँ, मिट्टी में तो बिल्कुल मत खेलना, समझे? आप फिक्र न करें जोधा बेटा, सलीम की देखभाल करने के लिए हम हैं ना यहाँ पर। हाँ जोधा बेगम, सलीम की दादी जान और उनकी बड़ी अम्मी जान है उनके साथ, आप बेफिक्र होकर शहंशाह के साथ सैर पर जाइए। आदाब मलिकाया तो। वो मरियम उस जमाने की पालकी तैयार है, शहंशाह बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखना बेटा। अच्छा अम्मी जान, आज्ञा दीजिए। आज्ञा कैसी, हमी ने तो जलाल से कहा था बाहर जाने के लिए, काफी वक्त हो गया है कि तुम दोनों एक साथ बाहर नहीं गए हो। ये आपने ठीक किया अम्मी जान। खुदा हाफिज। जोधा बेगम, जलाल भले ही आपके साथ हो, मगर आपका बेटा कभी आपके साथ नहीं रह पाएगा। शहंशाह, अगला फरियादी ये आलिम है, ये एक सवाल लेके आया है। ओह, क्या सवाल है आलिम? हुजूर, दरअसल हम कई दिनों से परेशान हैं, कईयों से पूछा मगर कोई जवाब नहीं दे पा रहा। हमें लगा कि आपके यहाँ हमें जवाब मिल जाएगा। सवाल ये है कि भैंस बड़ी है या अकल? सवाल उम्दा है, लेकिन इतने छोटे से सवाल का जवाब हम क्यों दें? अपने दिमाग को तकलीफ क्यों दें? इसका जवाब हमारे बीरबल साहब देंगे।
वो सलाखों पर अभी सोचते हैं। बड़ी तो अकेले ही होती है। ऐसे कैसे मान ले? हमने देखा है भैंस बहुत बड़ी होती है। अकल को किसने देखा है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अकल बड़ी होती है? क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि हम बीरबल हैं, जो भी कहते हैं सही कहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको इस जवाब की वजह बतानी पड़ेगी। ये क्या बदतमीजी है? तुम शहजादे मुराद से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। इस वक्त आप बीरबल हैं और आपको हमें समझाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि भैंस बड़ी होती है, आप साबित कीजिए कि अकल। अकल भैंस, अकल भैंस, अकल। अरे लड़िए नहीं शहजादे, लड़िए नहीं। शहजादे मुराद सही कह रहे हैं, अकल बड़ी होती। वजह हम बताते हैं, क्योंकि भैंस दूध देकर केवल एक परिवार का पेट भरती है, जबकि शहंशाह अपनी अकल से पूरे सल्तनत का पेट भरते हैं। तो हुई ना अकल बड़ी। आलमपना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें भी यही लगता है कि अकल ही बड़ी होती। ये गलत है, शहंशाह बनना इतना आसान काम नहीं है। जो मन में आया वो कह दे रहे हैं। बेशक शहंशाह बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऐसे कई सवालों से बड़े होते हैं आवाम की नेप की, उनकी हिफाजत का सवाल, इनका हल निकालना कोई आसान काम नहीं। चलो चलो बाहर खेलते हैं। जोधा बेगम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शहंशाह देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कहीं फिर से निकाह की ख्वाहिश ना कर बैठे। आदाब शहंशाह। आप ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? आपको देख कर वाकई आपसे फिर से निकाह करने का मन कर रहा है। किसी की बात इस तरह से छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती है शहंशाह। अपनी बेगम की खूबसूरती निहारना गलत बात नहीं। वाकई आज आपको देख कर पुराने दिन याद आ गए। किस तरह हमने नाव की सैर की थी? आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल हमें स्मरण है। अमूल्य मोतियों की भांति अपने मन में हमने वो सारी यादें सहज के रखी हैं शहंशाह। पहरा भारी होगा, उन पर सीधा हमला करना हम पर भारी पड़ सकता है। तुम में से कुछ लोग गांव में जाकर उनका ध्यान भटकाओ। उनका ध्यान दूसरी तरफ होते ही हम जोधा के खेमे में घुस जाएंगे और फिर कोई शक नहीं। तो जाओ। तुम्हें आज भी याद है जोधा बेगम, जब हम पर तीरों की बरसात की गई थी? जब देखो तब तारा मारते रहते हैं हमें, इतने वर्षों में आपकी आदत नहीं गई ना? आपका यही गुस्सा दस शर्मों का नशा देता है शोधा। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि आप यहाँ पर हमें नाहक गुस्सा दिलवाने के लिए आए हैं। ठीक है, हम आपसे माफी मांगते हैं मरे मुसलमान।
अच्छा, हमने आपको क्षमा कर दिया। शुक्रिया।